हेलो हेलो वीडियो देखने वालों, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाला था दादी की रसोई, जो कि एक सोशल कॉज से जुड़ा था। आज भी मैं कुछ बढ़िया जगह जा रहा हूँ और वहाँ पे भी हमें अपनी लाइफ के लिए एक मैसेज मिलेगा। जी हाँ, मैं जा रहा हूँ सरदारजी ऑमलेट वाले पे, जो कि प्रगति मैदान पे है। इन अंकल के बारे में मुझे फेसबुक पेज एक गली टेल्स है उससे पता लगा, और आई वांट टू थैंक गली टेल्स फॉर शोइंग सच अ ब्यूटीफुल मोटिवेशनल स्टोरी। जैसे मैं गली टेल्स का वीडियो देख के जा रहा हूँ, शायद मेरा वीडियो देख के भी किसी को कोई सीख मिले। और आज के इस वीडियो में मेरा साथ देंगे दिल से फूडी के करण दुआ। सो बस अब मैं करण दुआ को यहाँ से पिक करूँगा एंड वी विल मूव टू प्रगति मैदान। और करण के भी विचार मेरे से मिलते जुलते हैं। हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस जितने ज़्यादा शेयर कर सके उतना अच्छा है, क्योंकि एक सोसाइटी को एक मैसेज जाता है। कुछ लोग हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, सरदार जी के बारे में नहीं जानते होंगे, ये वीडियो देखेंगे तो उन तक भी मैसेज पहुंचेगा। इस वीडियो से जितनी भी अर्निंग होगी फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, प्लस आई विल ऐड समथिंग फ्रॉम माय पॉकेट एज वेल, और सारा का सारा सीनियर सिटीजन वाले जो आश्रम होते हैं उनमें डोनेट कर दिया जाएगा। तो लोग करण के पास हम पहुंच गए, लेट मी पिक अप हिम, फिर हम निकलते हैं आगे। आजा भाई आजा, हेलो, आजा आजा पीछे ही आजा, चल चल आजा भाई। क्या हाल है भाई? ठीक है, चलो भाई चलते हैं। चलो जी सरदार जी पे चलते हैं और हम आज देखते हैं कि कैसे बनाते हैं सर 75 इयर्स ओल्ड। और ये जगह ना बेसिकली ये भी नहीं है कि हमने टेस्ट देखना है, इसके पीछे वो है, हमारा मोटिव है कि जितना ज्यादा जो सेल्फ डिपेंडेंट लोग हैं जो ऐसे हाँ। कामों में हैं तो उनको प्रमोट करना, और इससे एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं वो। बट सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये वीडियो जो बन रहा है एग्जैक्टली मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो में व्यूज ज्यादा ज्यादा आए, शेयर ज्यादा ज्यादा आए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे को पब्लिसिटी मिले, इसीलिए कि उन सरदार जी की लोग जाके हेल्प करें। द वेरी फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट सरदार जी, ये दुकान उन्होंने मेरे सामने सेट की है। फर्स्ट इम्प्रेशन अबाउट अंकल जी इज दैट ही इज फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग। 75-80 साल की उम्र में उन्होंने मेरे सामने 10-10, 15-15 किलो के पत्थर बड़े बड़े उठा के अपनी दुकान सेट की है। अमेजिंग। तो अब इनका सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया है और 5:30 के करीब ये शुरू करते हैं बिजनेस। और ये आपको मैं लोकेशन समझा देता हूँ, ये जो सामने है, ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 की एंट्रेंस है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की, और उसके बिल्कुल बाहर ये अंकल अपना अंडों का बिजनेस कर रहे हैं। और ये दुआ साहब ने अंडे पे हाथ फेर दिया है और ये इस वक्त अपने चैनल पे प्रवचन देते हुए, लोगों को सीख देते हुए और टेस्ट बताते हुए अपने अपने स्टाइल में। दोस्तों, मेरे वीडियो का मोटो ये नहीं है कि आप इन सरदार जी पे आएं और इनके एग्स खाएं और इनको कुछ डोनेट करें या हेल्प करें। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ इससे कि आप इस इंसान की उम्र देखिए, इनकी फैमिली में जो इनके साथ ट्रेजेडीज़ हुई हैं वो देखिए, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी ये बंदा जस का तस खड़ा है। और ये मैसेज हर उम्र के लोगों के लिए है कि हर इंसान की लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी के छोटी आती हैं, किसी के बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें उन प्रॉब्लम से डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें उन प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए ये अंकल सबसे बड़ा एग्जांपल इन्होंने सेट किया है।
और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा, हमारा कर्तव्य है, जैसे ये अंकल हैं हम इनका एग्स खाने आए हैं, वैसे ही बहुत सारे लोग हमारे आसपास सोसाइटी में मिलते हैं। कोई बस में पेन बेच रहा है, कोई धूप बत्ती बेचता है, कोई अखबार बेचता है। जो ऐसे लोग हैं, एजिड लोग हैं, जो अपने सेल्फ डिपेंडेंट हैं, वो भीख नहीं मांगते और ऐसी ऐसी मेहनत का काम करते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी हेल्प करें। हेल्प हम कैसे कर सकते हैं, हम उनसे वो सामान खरीदें, खरीदने से उनको भी अच्छा फील होगा, हमें भी नहीं होगा कि हमने भीख दी है, हेल्प ही हेल्प हो जाएगी और एक बढ़िया सा आपको फीलिंग रहेगा कि वाह यार मैंने आज एक अच्छा काम किया। और हमारी हेल्प का ये फ़ायदा होगा कि वो इंसान किसी भीख मांगने या किसी पे डिपेंड नहीं होगा। ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कुछ लोग मोटिवेट हों अंकल की हेल्प करने के लिए, आप आके हेल्प कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि अंकल को फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है। इनको अगर किसी की ज़रूरत है तो वो है केयर की। अगर कोई ऐसी सोसाइटी है जो इन एज की उम्र के लोगों की हेल्प करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, प्लीज़ आगे आइए, आप इनकी हेल्प करिए। आज इनकी बॉडी इनका साथ दे रही है, लेकिन कुछ साल बाद हो सकता है कि एज इनका साथ ना दे और इनको किसी पे डिपेंड होना पड़ जाए। तो मैं उन सोसाइटी से रिक्वेस्ट करूँगा आगे आएँ और इनकी हेल्प करें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो इनके पास कोई ना कोई इनकी केयर करने वाला हो। आई टुक एन आइडिया अबाउट द इनकम ऑफ अंकल एंड ही इज़ मेकिंग डिसेंट अमाउंट, जिससे इनका गुजर बसर अच्छे से चल सकता है। बट स्टिल मैं और करण ने सोचा कि हम इनकी किसी तरह हेल्प करें, तो वी केम विथ सम गिफ्ट्स। सॉरी अगर आपको लगे कि मैं यहाँ शो ऑफ कर रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव एन आइडिया, वी केम विथ सम गिफ्ट्स जो ये अपने बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते थे। तो आप लोग भी ऐसे ही जो लोग हैं, जो ऐसे जुड़े हुए हैं ऐसे कामों से, आप उनकी भी इसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। और मेरा सबसे बड़ा मानना ये है कि अगर हम किसी को डोनेट करना चाहते हैं तो हम उसकी एजुकेशन स्पॉन्सर करें। किसी बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करने से बड़ा डोनेशन मुझे नहीं लगता कि कोई डोनेशन होता है। सॉरी अगर मेरी बातों से आप पक गए हो, आज थोड़ी लेक्चरबाजी ज़्यादा हो गई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।